तक संविधान के तहत फैसला नहीं हुई है तब तक राम जी बंगलिया ही में रहे भाई। देखो साफ सुथरी बात है, ये आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि गाना कहाँ है और निशाना कहाँ है, लेकिन हमारे बंधु लोग हैं समझते ही नहीं है। जब तक कथा सुनते हैं तब तक तो गर्दन हिलाते हैं और इसके बाद में जैसे धानी काटी तैसे खबरी हली गई, काम खत्म। लेके बोलिए कथागर बोलने की। चलिए हम मिल रहे हैं धम्म देशनाचार्य पूज्य भिक्खु बुद्ध प्रिय उर्फ डॉक्टर एलपीजी गौतम जी से, एलपीजी जी से जो यहाँ पर कथा कह रहे हैं। देखिए वो हमें नजर आ रहे हैं, देखिए उनसे हम बात करते हैं। और सर आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? नशा मुक्ति, जब हमारा समाज नशा मुक्ति से हो जाएगा और रोजगार से युक्त हो जाएगा तो मैं बुद्ध कथाओं के माध्यम से समाज में संगठन और रक्षा सुरक्षा, और जिस दिन हमारा समाज जो है नशा से मुक्ति पा जाएगा और आपस में संगठित हो जाएगा, संगठित होकर के देश की पार्लियामेंट पे कब्जा करेगा, और जब देश की पार्लियामेंट पे कब्जा करेगा तो हमारे खोए हुए सब जितने भी अधिकार हैं हमारी समाज को वापस होंगे। हम चाहते हैं कि हमारी समाज नशा से मुक्ति पाए और रोजगार से युक्त हो जाए, ये संदेश देना चाहते हैं समाज को। थैंक यू सर, धन्यवाद। सर आपका नाम? राम सुरेश। सर आप कहाँ, यहीं के निवासी हैं? नहीं, हम सर देवा के पास में पड़ता है इब्राहिमपुर कला। सर ये वहाँ से ये कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से सर पड़ेगा लमसम में, अरे 32 किलोमीटर के लमसम में। सर आप 32 किलोमीटर दूरी से यहाँ पर कथा सुनने आए हैं? जी। आप आए हैं या अकेले आए हैं? नहीं, परिवार से, बच्चे भी हैं, परिवार मिसेज हैं। अच्छा। और कई हमारे साथीगण हैं, हमारे घर से और गांव से कई लोग आए हैं। अच्छा, काफी संख्या में। अच्छा अच्छा। और आपके यहाँ ये बुद्ध प्रोग्राम होता है? जी जी, हमारे यहाँ सर लगभग अरे 3 साल से निर्मित हो रहा है बराबर, और हम लोग अपनी स्वनिर्मित एक रम्मा ज्योति पर्व के नाम से अपना एक पोस्टर भी निर्माण किया गया है और उसे 26 नवंबर 1949 के विषय में उसमें संविधान दिवस के रूप में उसको वो पोस्टर निर्मित किया है, अपना खुद कमेटी की तरफ से निर्मित किया गया है। ठीक है सर, हमारे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान गौतम बुद्ध की करुणा हूँ। और एक साहब देखिए खड़े हुए हैं, हम चलते हैं इनसे बात करते हैं, देखते हैं ये। सर आपका नाम? हमारा नाम मुन्नालाल गौतम है। सर आप यहीं के निवासी हैं? ना ना, हम ग्राम सभा इब्राहिमपुर कला के निवासी हैं। अच्छा सर, वहाँ से आप यहाँ आए हैं? हाँ वहाँ से। सुनिए, आप अकेले आए हैं और कोई आया है? नहीं, हम अकेले नहीं आए हैं, हमारे आदिवंश सेवा समिति के दो चार लोग साथ में आए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, हमारे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान गौतम बुद्ध की आपके पकड़ना हो सर। और सर देखिए और खड़े हैं, एक दो लोगों से मैं और मुलाकात करता हूँ, देखता हूँ इनका। सर आपका नाम? मेरा नाम है भगवान सिंह। आप कहाँ के निवासी हैं? हम ग्राम सभा कतरी कला के हैं, शिक्षक। अच्छा, आप यहीं के निवासी हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा, ये प्रोग्राम आपके गांव में कितने दिन से हो रहा है? हमारे ये सर 94 से हमने शुरुआत की, मंदिर बना है बुद्ध की जगह। अच्छा, यहाँ पर मंदिर भी है बुद्ध? अच्छा अच्छा, तो वहाँ क्या सभी लोग भगवान गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं? हाँ हाँ, भक्त भी रहते हैं। धन्यवाद हमारे चैनल को समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीसीएमसी न्यूज परिवार आपका बहुत स्वागत करता है।